चाइना चाइना चाइना। दोस्तों आजकल इंडिया में सभी जगह चाइना का नाम बहुत ही सुनाई देता है। एक वजह है ये कोरोना वायरस और दूसरी वजह है कि जिस तरह से वो हमारे बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स को परेशान कर रहे हैं, उसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाइना की कुछ मोबाइल एप्स को इंडिया में बैन कर दिया। तो यही वजह है कि इंडिया में चाइना की तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको चाइना के बारे में कुछ ऐसी बातें भी पता चलेगी जो आपने कभी भी सुनी नहीं होगी और इंडिया में इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और आप जब ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप मान जाओगे कि हाँ आज चाइना के बारे में कुछ नया जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना दिखने में भले ही अमीर दिखता हो या फिर उसकी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो, लेकिन आज भी चाइना में करीबन 30 करोड़ लोग रोजाना $1 से भी कम खर्च में अपना दिन गुजारा करते हैं। यानी कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो रोज के 70 रुपए से कम खर्चे में अपना दिन निकालते हैं। दोस्तों चाइना में आज भी 35 करोड़ लोग गुफा में जीते हैं या फिर लकड़ियों के मकान में जीते हैं। दोस्तों चाइना बहुत बड़ा चीटर है, ये बात तो शायद आप मानते ही होंगे, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि एक्चुअली 2010 में चाइना में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं कोई भी कंप्यूटर में या कोई भी लैपटॉप में, उसमें से 78% सॉफ्टवेयर्स पायरेटेड थे, यानी कि फ्री में चोरी करके डाउनलोड किए हुए सॉफ्टवेयर थे। दोस्तों आपने इंडिया में बहुत जगह पे प्ले स्टेशन देखे होंगे, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पे लोग पैसे देके गेम्स खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन चाइना में इस तरह के प्ले स्टेशन बिल्कुल ही इलीगल माने जाते हैं। दोस्तों चाइना में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है, जैसे कि वहां पे कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका परीक्षण प्राणियों पे यानी कि जानवरों पे अवश्य किया जाता है। यानी कि आप लिपस्टिक भी अगर मार्केट में रखते हो तो कोई भी एक एनिमल पे वो लिपस्टिक उसके होठों पे लगा के ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों चाइना के लोग नॉनवेज खाने में सबसे पहले है, ये बात तो आप मानते हो, और इसलिए आप ये भी मानते होंगे कि वो लोग बड़े ही निर्दयी होके जानवरों की हत्या कर देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि चाइना में सिर्फ 7% लोग 7% लोग ही चाइना के धर्म में मानते हैं। दोस्तों पूरे दुनिया भर के बच्चों को पांडा बहुत पसंद होता है। पांडा का जो फिल्म आता है वो भी लोगों को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन दरअसल जो पांडास है पूरे दुनिया में वो सारे के सारे चाइना में पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया में पांडा सिर्फ चाइना सप्लाई करता है। दोस्तों जब चाइना के कोई अचीवमेंट की बात आती है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चाइना की सबसे बड़ी दीवार आपके दिमाग में जरूर आएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जब चाइना की ये दीवार बन रही थी तो उसको बनाते वक्त करीबन 400,000 लोग उसमें मारे गए थे। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि चाइना की सरकार ने फेसबुक को वहां पे बैन कर दिया है, यानी कि चाइना का कोई भी इंसान फेसबुक में अपना अकाउंट नहीं बना सकता। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं किस तरीके से, लेकिन फेसबुक में करीबन 90 करोड़ से ज्यादा अकाउंट चाइना के यूजर्स के है। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में चाइना के बारे में बहुत ही नई जानकारी मिली होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।